की वो शॉर्टकट तो आपने सुना होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम बताएंगे माउस शॉर्टकट के बारे में। तो आप कहेंगे कि माउस में तो बस दो ही बटन होता है, फिर इसमें शॉर्टकट क्या हो सकता है? तो माउस शॉर्टकट आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आप देखेंगे कि आपके काम करने का स्पीड 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा एक फाइल ओपन है और इस फाइल को हम क्लोज करना चाहते हैं, तो क्लोज करने के लिए आप ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे, फिर क्लोज में जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो हमारा फाइल क्लोज होगा। लेकिन नहीं, अब ऑफिस बटन पे जाना है और यहीं पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये फाइल आपका क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा, आप देख सकते हैं ये हमारा एमएस वर्ड ओपन है। यदि आप इसको रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं तो ये जो टाइटल बार है, टाइटल बार पे डबल क्लिक करेंगे रिस्टोर डाउन हो जाएगा। फिर से यदि आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे टाइटल बार पे, फिर ये आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। यदि आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ड के ऊपर दूसरा क्लिक करेंगे तो फिर वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आप एक बार में कई वर्ड्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो अलग अलग जगह पे दिया हुआ है तो वर्ड डबल क्लिक कर लेंगे, एक वर्ड हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल को होल्ड करेंगे फिर दूसरे वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को सेलेक्ट करके आप कॉपी भी कर सकते हैं और कहीं दूसरे जगह पे ले जाके इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पेस्ट भी हो गया। फिर नेक्स्ट है, यदि आप किसी भी पैराग्राफ के एक सेंटेंस को, सिंगल सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करेंगे और सिंगल क्लिक कर देंगे, ये हमारा एक बार में पूरा का पूरा एंटायर सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। फिर से आप देख सकते हैं कंट्रोल को होल्ड करना और क्लिक करेंगे ये सेलेक्ट हो गया। यदि आप पूरा का पूरा कंप्लीट एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पैराग्राफ के किसी भी वर्ड पे ट्रिपल टाइम 3 बार क्लिक करेंगे, यह आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ नाम हमारे पास लिखा हुआ है और सभी नाम के आगे मिस्टर 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 लगा हुआ है, तो इस मिस्टर को सिर्फ और सिर्फ इस मिस्टर को हमको यहाँ से डिलीट करना है, हटाना है। तो उसके लिए आप रिप्लेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस में भी जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए माउस से हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो अल्ट बटन को होल्ड करेंगे और इस तरह से माउस को वर्टिकली ड्रैग करा लेंगे और ये आपका सेलेक्ट हो गया। फिर डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे, हमारा सारा का सारा टेक्स्ट एक ही बार में डिलीट हो गया। तो ये बहुत ही मजेदार शॉर्टकट था। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।